हेलो दोस्तों, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जी। आज पढ़ते हैं ऑपरेशन पेंजिया। ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज आपको एग्जाम में आ जाएंगी और पूछा जाएगा ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन पेंजिया, इसका वर्जन कौन सा? 14th, लेड बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल पर जैसे हमारे CBI है, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर कौन है? इंटरपोल, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस की इंटरनेशनल लेवल की वैश्विक स्तर की संस्था इंटरपोल। तो उसने ऑपरेशन पेंजिया लॉन्च किया है, टारगेटेड द सेल ऑफ फेक मेडिसिन एंड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन मेडिसिन या कोई और प्रोडक्ट जो कि फेक है, फेक मेडिसिन एंड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, उनको टारगेट किया है। ठीक है, ये सेल ऑफ फेक मेडिसिन एंड प्रोडक्ट ऑनलाइन, इससे संबंधित है ऑपरेशन पेंजिया, ताकि ऐसा ना हो। मोर देन 1.10 लाख, 1,10,000 वेब लिंक्स हैव बीन टेकन डाउन। इतने वेबसाइट के लिंक जहां पर ऐसी दवाइयां, फेक मेडिसिन और प्रोडक्ट बिक रहे थे, उनको क्या कर दिया? बंद कर दिया। In an operation involving police, customs and health regulatory authorities of 92 countries against sale of fake medicines and medical products. ठीक है जी, पुलिस भी थी, कस्टम वाले भी थे, हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी थी, इन सब ने मिलकर ये ऑपरेशन किया। तो मेन की वर्ड है सेल ऑफ फेक मेडिसिन एंड फेक मेडिकल प्रोडक्ट्स। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, दैट इज द नोडल बॉडी फॉर द इंटरपोल इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में जो इंटरपोल की नोडल बॉडी कौन सी है? CBI। तो इंटरपोल अगर कोई ऑपरेशन करता है तो हमारे अपनी कंट्री में वो ऑपरेशन किसके द्वारा होगा? CBI के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरपोल की नोडल बॉडी कौन सी की है हमारे कंट्री में, तो वो है CBI। वो है CBI। आगे है जी ब्लेंडिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल की ब्लेंडिंग करनी। ब्लेंडिंग मतलब मिश्रण करना। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैज बैंड ब्लेंडिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल विद एनी काइंड ऑफ एडिबल ऑयल फ्रॉम 2021। ठीक, 2021 से ही हमारी FSSAI संस्था ने बैंड कर दिया था। जो हम कोई भी तेल ऑयल खाते हैं ना, उसके साथ मस्टर्ड ऑयल आपने मिक्स नहीं करना। ब्लेंडिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल विद एनी काइंड ऑफ एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल का मतलब जो हम तेल खाना बनाने में यूज करते हैं, उसके साथ मस्टर्ड ऑयल आपने मिक्स नहीं करना, ब्लेंड नहीं करना। देखो, और अब थोड़ी हिस्ट्री पढ़ ले। पहले ये ब्लेंड करना अलाउड था, फिर धीरे धीरे उसको कम किया। क्यों किया, क्या इसके हानिकारक प्रभाव थे, वो देखते हैं। Union Health Ministry had allowed blending in edible vegetable oil in a notification in 1990 में हमारी सरकार ने ये बात अलाउ कर दी थी कि आप एडिबल ऑयल में वेजिटेबल ऑयल जो है हमारा एडिबल, जिसको हम खाते हैं, ठीक, चाहे वो आप देखो ना सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे नारियल का तेल हो, तो जिससे हम खाना बनाते हैं, तो उसमें हम ब्लेंडिंग कर सकते थे, मस्टर्ड ऑयल ऐड कर सकते थे। ये अलाउ कर दिया था हमको। इन 1998 तब क्या हुआ, दिल्ली एंड अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स विटनेस्ड द ड्रॉप्सी एपिडेमिक। तो ये एक एपिडेमिक आया था, महामारी, कौन सी? ड्रॉप्सी। ये क्या थी? ए डिजीज दैट कॉज स्वेलिंग इन द बॉडी ड्यू टू द बिल्ड अप ऑफ फ्लूइड इन टिश्यूज। इसमें क्या है, हमारे टिश्यू है ना, जो वो उसमें पानी भर जाता था, पानी तो नहीं कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे, फ्लूइड भर जाता था, तो फिर इसके कारण क्या हो जाता था, हमारी बॉडी स्वेलिंग, सूज जाती थी। स्वेलिंग इन द बॉडी, हमारी बॉडी सूज जाती थी। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लूइड, जो हमारे टिश्यू है उसमें फ्लूइड जमा हो जाता था, तो इसके कारण हमारी बॉडी स्वेल हो जाती थी। ये बड़ी बात थी, ठीक है जी। तो फिर उसका कारण दिखा गया क्या है, लेटर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड adulteration of mustard oil with
आर जी मोन मैक्सिकाना सीड ऑयल टू बी कॉज ऑफ द डिजीज। तो आपने जी आर जी मोन मैक्सिकाना सीड ऑयल नहीं याद रखना पूरा, तो आपने यही याद रखना है कि हमने जो एडिबल ऑयल है उसमें हम मस्टर्ड ऑयल बनाने के कारण ठीक ये वाला डिजीज हो रहा था। तो फिर कहते नहीं यार सरसों का तेल दूसरे तेल में मिक्सअप ना करो। दस इन 2006 FSSAI रोल्ड आउट रेगुलेशंस फॉर द ब्लेंडिंग ऑफ एडिबल वेजिटेबल ऑयल। जो खाने वाले तेल में आपने मस्टर्ड ऑयल मिलाना है वो कितना मिला सकते हैं उसके ऊपर क्या है रेगुलेशंस लेकर आए। ठीक पहले रेगुलेशंस लेकर आए और बाद में क्या कर दिया बैन कर दिया। ठीक है कब बैन किया 2021 में। आप समझ लो कि देखो 1998 में आपको पता लग गया कि गड़बड़ है, पर करते 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 2021 में जाकर बैन किया। ठीक है जी प्रोड्यूसर्स एंड कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन ब्लेंडिंग वर रेगुलराइज्ड। भी आप जो कंपनियां हैं हमारी हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं मस्टर्ड ऑयल के या और ऑयल के जो आप मिश्रण करते हो तेलों का तो उसको क्या है रेगुलराइज करो। हर कोई ऐसे ब्लेंडिंग नहीं कर सकता क्यों क्योंकि जब हर कोई ब्लेंडिंग करने लग गया तो लोग क्या करते हैं घटिया दर्जे का तेल मिला देते हैं। कौन कोई देखता है ठीक है ना इन चीजों का बड़ा चक्कर होता है। देखो जैसे आप कहोगे सर भी हमने वहां से समोसा खाया तो वहां महंगा था तो जहां से खाया तो जहां सस्ता था। ठीक है पर आप अगर ध्यान से देखो तो एक बार जरूर नोट करो कि एक ऑयल जिसमें वो समोसा तला गया है वो कितनी बार यूज हो रहा है। आप किसी ऐसे ही खोखे वाले से बात करना तो वो देखना खुश होकर बताएगा अरे बचा तेल तो हम मटरी बनाने में यूज कर लेंगे। ठीक है तो वो चीजें हैं कि हम अपने सस्ते के चक्कर में हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। अपने टॉपिक पर आते हैं तो किसने इसको रेगुलराइज किया एगमार्क ने। एगमार्क क्या है ऐसी संस्था जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ग्रेडिंग और मार्किंग करती है। ठीक है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट के द्वारा इसको रेगुलराइज कर दिया प्रोड्यूसर्स को और कंपनियों को जो कि तेलों का मिश्रण वगैरह करती हैं, ठीक है ब्लेंडिंग करती हैं। इट आल्सो मेड इट मैंडेटरी ये भी मैंडेटरी कर दिया क्या टू राइट द काइंड ऑफ ऑयल यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग ओवर द पैकेट। कि पैकेट के ऊपर लिखो भी कौन कौन से ऑयल यूज किए गए हैं कितनी कितनी उनकी परसेंटेज वगैरह ब्लेंड की गई है। तो कहने का मतलब है पहले स्टेप में आपने क्या किया था रेगुलराइज्ड ठीक है रेगुलराइज्ड कर दिया पहले स्टेप में पर बाद में 2021 में जाकर बैन कर दिया। However, this blending led to an increase in dependency of India on imports of edible oil and also stagnation of land under mustard cultivation in last 25 years. ये एक चक्कर है। जब आप ऐसे रेगुलराइज कर दोगे चीजों को तो फिर क्या हुआ भी मस्टर्ड ऑयल को आप मिक्स नहीं कर पाए तो हमारे अपने देश में सरसों के तेल की खेती कम होने लग गई थी एक बात और दूसरे एडिबल ऑयल है जो वो हम बाहर से मंगवाने लग गए। ठीक है ना अगर आप कहोगे कि पाम ऑयल ही यूज करो और हमारी कंट्री उतना पाम ऑयल नहीं यूज कर पाएगी इतना प्रोड्यूस कर पाती तो फिर हमको बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। अगर बाहर से मंगवाने पड़ेंगे तो जो हमारे अपने देश का मस्टर्ड ऑयल है उसकी डिमांड भी कम होगी। तो ये सब चीजें हैं तो मस्टर्ड ऑयल की कल्टीवेशन का कम हो जाना उसका एक मेन कारण ये था कि सरकार ने इसको रेगुलराइज कर दिया था। सर थोड़ा आपने पढ़ लेना कंसेप्ट। आगे है जी कॉटन कल्टीवेशन इंडिया। इंडिया में कपास की खेती कॉटन इज ए खरीफ क्रॉप। खरीफ का मतलब गर्मियों में पैदा होती है एंड ग्रोज वेल इन ब्लैक कॉटन सॉइल। जो काली मिट्टी है ब्लैक कॉटन सॉइल उसमें अच्छा पैदावार होती है इसकी। जैसे आपकी जहां पर ना जो पठारी सॉइल होती है वो भी कॉटन ब्लैक सॉइल होती है। तो क्यों क्योंकि इसमें ना हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है ब्लैक सॉइल में काफी चिकनी टाइप होती है। तो जैसे अगर इसको इसमें पानी ना मिले तो इसमें क्रैक से पड़ जाते हैं इस सॉइल में। अगर काफी समय तक ये ड्राई रह जाए तो ये इसमें क्रैक पड़ जाते हैं तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। तो ये काफी ये अधिकतर कहां पाई जाती है डेकर प्लेटू में। ठीक है जी ये बात होगी ये बात सारी इंपॉर्टेंट है इसको आपने ध्यान से ना समझ लेना है याद कर लेना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं।
एनुअल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज 22-28 डिग्री सेल्सियस, ठीक, टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा ही चाहिए, एंड रेनफॉल 55 से 110 सेंटीमीटर इज आइडियल, कुछ ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। इट रिक्वायर्स मिनिमम 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ये एक बात है, कम से कम 180 दिन ऐसे जब फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मतलब ओले पड़ना, जो बर्फ के छोटे छोटे ओले पड़ते हैं ना बारिश के साथ, तो वो नहीं पड़ने चाहिए, कम से कम 180 दिन तक ओले नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसके लिए 180 कम से कम 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ठीक, तो गर्मी चाहिए, बारिश कम हो तो भी चलेगा, ठीक, और ब्लैक सॉइल में होती है, डेकन प्लेटो में होती है, ऐसे ऐसे आपको कंडीशंस दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा ये कौन से क्रॉप की बात हो रही है, तो ये कॉटन की बात हो रही है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी। इंडिया इज द हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2020, अगर 2020 की बात करें तो इस डाटा के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का क्या है, हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ये भी हो गया बढ़िया बात, इंटरेस्टिंग, आ सकता है एग्जाम में। इंडिया एट फर्स्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन, अगर लैंड की बात करें कि कितने एरिया में कॉटन कल्टीवेशन होता है, तो उस मामले में भी इंडिया फर्स्ट आता है, ये बात हो गई। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ रॉ कॉटन आफ्टर चाइना, पर अगर कंज्यूमर की बात करें कितना हम यूज करते हैं, तो उसमें हम सेकंड आते हैं चाइना के बाद। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वो कौन सी है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है जी। आगे है जी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये क्या होते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन कौन सा माइनर प्रोड्यूस है या इनमें से कौन कौन सा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं है, तो आपने याद रखना है नॉन टिम्बर, नॉन टिम्बर, टिम्बर समझते हो, जैसे आप जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, तो उनका जो तना होता है, उनको काट कर जो पूरी मोटी मोटी लकड़ियां मिलती हैं, उनको कहते हैं टिम्बर, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में नॉन टिम्बर आते हैं, मीन ये बड़े बड़े लकड़ियों के गट्ठे नहीं आते, बड़े बड़े पेड़ नहीं आते, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, शायद हो सकता है, शायद है, नहीं है, हम देखते हैं अभी, ठीक, वो कौन कौन से हो सकते हैं। ऑफ प्लांट ओरिजन, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ प्लांट ओरिजन एंड इंक्लूड्स, देखो बैंबू, बैंबू जरूर आपने याद रखना है, क्या बैंबू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो आपने ये नहीं सोचने लग जाना कि यार बैंबू तो साइज में बहुत बड़ा है, पर जहां तो माइनर की बात हो रही है, नहीं नहीं, नॉन टिम्बर में बैंबू भी है, तो बैंबू को आपने जरूर याद रखना, बैंबू मतलब बांस, केन्स छोटे छोटे बांस के होते हैं, जो केन्स फॉर्डर चारा, लीव्स पत्ते गम्स जो गूंद से निकलती है, वैक्सेस डाइज डिजाइंस, डिजाइंस होते हैं जैसे पेड़ों से हम कई प्रकार के लिक्विड प्राप्त करते हैं ना, ऐसे, एंड मैनी फॉर्म ऑफ फूड इंक्लूडिंग नट्स वाइल्ड फ्रूट्स हनी, हनी भी आता है, आपको अगर सर जी हनी तो बनाया है मधुमक्खियों ने, तो हमने कहा है प्लांट ओरिजन, तो बेसिकली हनी प्लांट ओरिजन ही है, मधुमक्खियों का छत्ता प्लांट पे ही तो लगेगा, लैक हो गया, टसर वगैरह, ठीक, तो ये सारे क्या हो गए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आएंगे, तो आप ये सब चीजें तो समझ सकते हो कि ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आती हैं, जड़ी बूटियां वगैरह भी इसमें आएंगी, पर आपने बैंबू और हनी को भी याद रखना है, इस दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए बांस और शहद ये भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है जी। सम नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टेड बाय ट्राइबल्स, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं जो ट्राइबल्स कलेक्ट करते हैं, जैसे साल लीव्स, साल के पेड़ के पत्ते, सियाली लीव्स, महुआ फ्लावर्स, महुआ एक होता है आपका पेड़ होता है इधर बिहार झारखंड साइड, महुआ फ्लावर्स,
मैंगो कर्नल्स, ठीक, पुटलियां वगैरह, करंजा सीड्स, करंजी का सीड्स, ये भी इसके भी काफी मेडिसिनल वैल्यू है। चार सीड्स एंड तमारिड, मतलब इमली, ये भी क्या है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है आपका MFP, इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ ट्राइफेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री, क्योंकि इसका फायदा किसको होना है, ट्राइबल्स को, तो इसलिए इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन तय करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये बात क्लियर, ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, तो पर आपने याद रखना है फायदा होता है ऐसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का किसको, ट्राइबल कम्युनिटी को, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल इसको तय करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को विद द हेल्प ऑफ ट्राइफेड। आगे है जी एम्बरग्रीस, ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एम्बरग्रीस, ये क्या है, फ्रेंच टर्म है फॉर ग्रे एम्बर, ग्रे कलर का एम्बर क्या होता है जी, वेल वॉमिट, हार्डेंड वेल डंग प्रोड्यूस्ड ओनली बाय 1% ऑफ स्पर्म वेल्स, तो स्पर्म वेल एक वेल की वैरायटी है, तो इसकी वॉमिट से या इसका जो डंग है, मल है उसका, उससे ये वाला प्रोडक्ट तैयार होता है। स्पर्म वेल ईट्स सेवरल थाउजेंड स्क्विड बीक्स ए डे, तो वो स्क्विड छोटी छोटी जानवर है, जो छोटा छोटा जीव है स्क्विड, तो कितने हजारों स्क्विड को खा लेता है स्पर्म वेल, वेल जो जितनी बड़ी वेल मच्छी है वो सेवरल थाउजेंड स्क्विड बीक्स को खा लेती है एक दिन में। इट इज अ सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस दैट फ्लोट्स अराउंड सरफेस ऑफ वाटर बॉडी एंड एट टाइम सेटल्स ऑन कोस्ट, ये इंपॉर्टेंट बात होगी, तो जब इतने खा लेती है ना वो, तो कभी कभी वॉमिट कर देती है उससे या उनके मल से, तो क्या है, हम एम्बर ग्रीस कलेक्ट कर लेते हैं, तो बेसिकली सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस है, तो ऐसे समुद्र के ऊपर तैरता रहता है और कोस्ट पर भी कभी कभी सेटल हो जाता है। दिस एक्सक्रीशन इज सो वैल्यूएबल दैट इट इज रेफर्ड टू एज फ्लोटिंग गोल्ड, इसकी इतनी कीमत है, इसको फ्लोटिंग गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग गोल्ड, ठीक। तो जो वो लोग ना परफ्यूम वगैरह का इतर का शौक रखते हैं, उनको पता होगा एम्बर भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है, एम्बर परफ्यूम इसका बड़ी डिमांड है एम्बर की, ठीक है जी, इसलिए इसको फ्लोटिंग गोल्ड भी कहते हैं। मछली की वॉमिट को जो समुद्र के पानी के ऊपर तैर रही होती है, तो लोग इसको कलेक्ट करके परफ्यूम बनाते हैं, फ्लोटिंग गोल्ड किसे कहते हैं, एम्बरग्रीस को, बिकॉज ऑफ इट्स यूज इन परफ्यूम मार्केट्स स्पेशली लाइक इन दुबई, स्पेशली टू क्रिएट फ्रेगनेंस लाइक मस्क, मस्क टाइप इसकी फ्रेगनेंस होती है। इट इज ऑल्सो यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी, परफ्यूम वगैरह में, मेडिसिन में इनका यूज होता है। आगे है जी पंचमुली लेक, पंचमुली लेक कहाँ है, दिस लेक इज ऑल्सो नोन एज डाइक थ्री, डाइक थ्री भी कहते हैं, ये कहाँ है, ऑफ सरदार सरोवर डैम, आपको पता है जब बड़ा सा डैम बनता है, बांध बनता है, तो उसके साथ में एक झील बन जाती है। इट वॉज वेट फॉर टूरिस्ट विजिटिंग द स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, तो गुजरात में आपको पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो जो सेनानी, जो आपके हमारे टूरिस्ट वगैरह है, यात्री वगैरह वहां जाते हैं, तो उनके लिए एक झील भी बनाई गई है साइड साइड में, पंचमुली लेक, आपको आ सकता है कहाँ है ये, गुजरात में। रिसेंटली मैनी क्रोकोडाइल्स, स्पेशली कौन सी वैरायटी, मुगर, हैव बीन रीलोकेटेड फ्रॉम पंचमुली लेक, तो इस जगह पर क्या है, इतने मगरमच्छ थे, अब मगरमच्छ तो फिर जनता को खा जाएंगे, है ना, तो इसलिए वहां से काफी क्रोकोडाइल निकाल लिए गए, हटा दिए गए, ताकि आम जनता को कोई खतरा ना हो,
क्रोकोडाइल मगरमच्छ वहां से रिलोकेट किए गए हैं पंचमुनी लेक से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। आपको पता होना चाहिए कहाँ है ये लेक, कहाँ है गुजरात में, पंचमुनी लेक गुजरात, इसको डाइक थ्री भी कहते हैं। देखो तो सारे जहान का रट्टा नहीं लगाना हमने, जो काम की बात है वो छोड़नी नहीं है, इसलिए मेन मेन चीजें पढ़ लेनी है। अब क्रोकोडाइल की बात आ गई तो थोड़ा और पढ़ लेंगे कि क्रोकोडाइल की कितनी वैरायटियां होती हैं। तो जी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।